सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले कुछ बोलने से पहले मैं बोलना चाहूँगी अपने श्रोतागण को, अपने ऑडियंस को जो हमें इतना सारा प्यार करते हैं, दिल से नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी अपनी प्यारी जोया खान उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैडम आपका अंदाज जो वेलकम का होता है ना, काफ़ी ज़्यादा मस्त होता है। बस ये तो आप लोग का आशीर्वाद है। और बताइए, एक मीरा एक राधा जी, क्या कहना चाहेंगे फिल्म? अरे कृष्णा जी से भी कुछ पूछ लीजिए, मेरा कोई क्यों परेशान। प्रणाम दोस्तों, मैं आपका रोहित चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। और मैं इस फिल्म के बारे में बात करूंगा, एगो राधा एगो मेरा। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है हाजीपुर लालगंज में, और काम करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ के लोकेशन बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। आज सिक्स डे हो गया जी हाँ, और अभी तक हमने गाना कंप्लीट कर लिया हुआ है, एक्शन सीक्वेंस हो चुका है, आगे कुछ और सीन बाकी है, उसको कंप्लीट करके हम फिर से वापस दोबारा मुंबई में जाके शूट करने वाले हैं इसके लिए। जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि 5 गाने हमारे शूट हो चुके हैं, कंटिन्यू शूट किए जा रहे हैं हम लोग। बिना होता ना कि स्टॉप करके एक दिन दो दिन रेस्ट करते हैं, बहुत सारे सेटों पर ऐसे देखे हूँ, लेकिन यहाँ पे नॉन स्टॉप है, बहुत मेहनत की जा रही है, पूरी यूनिट मिलके बहुत मेहनत की जा रही है, लाइटमिंग से लेके हेयर ड्रेसर से लेके मेकअप दादा से लेके पूरी यूनिट हमारे पीछे लगी हुई है, बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है पूरे एनर्जी के साथ। सो बहुत मज़ा आ रहा है, खास करके हमारे राजीव सर हैं जो इस फिल्म में प्रोड्यूसर हैं, और शिवू सर हैं, काफ़ी सपोर्टिव हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है, एनर्जी बरकरार रखते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। और 6 गाने हैं इसमें, आई थिंक एक गाना और बचा हुआ है, 2 गाने बचे हुए हैं ना, तो मज़ा आ रहा है। मैम बगल में राधा बने हो आप, भैया का या फिर मीरा जी? ये क्वेश्चन आप दोबारा कर रहे हैं, और मैं अपने ऑडियंस से भी दोबारा बताना चाहूँगी कि मैं मीरा हूँ और ये कृष्णा है। आप इनसे भी कुछ जानिए, सिर्फ मीरा से मत जानिए, क्योंकि मीरा तो हमेशा आप लोगों से बात करती रहती है। भैया मीरा से क्या कहना चाहेंगे? मीरा से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी अपनी एनर्जी बरकरार रखिए, ऐसी अपनी सुंदरता की जलवे दर्शकों को दिखाते रहिए, और अच्छी अच्छी बात कह कह के अच्छी अच्छी बात इनकी सुनिए, और इनको आशीर्वाद देके इनको और आगे बढ़ाइए। नहीं, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि उस चीज को यहाँ ना लेके आऊं। एक्चुअली ना अभी तक तो पर्सनली लाइन मार रहे थे, अभी ऑडियंस के सामने लाइन मार रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि मीरा अपने ऑडियंस के सिवा किसी और के हाथ में नहीं आने वाली। चलिए कोई बात नहीं, धोखा खाना तो एक क्या कहते हैं उसको, एक रीति रिवाज बन चुका है कि प्यार करने वाले हमेशा धोखा ही खाते हैं। तो मेरा क्या है, मैं तो प्यार देता हूँ, कोई प्यार दे तो ठीक है, ना दे तो भी ठीक है, लेकिन मेरा प्यार तो राधा के लिए भी रहेगा, मीरा के लिए रहेगा, और आपको आप लोगों के लिए भी रहेगा ये प्यार, जनता जनार्दन के लिए प्यार। जी जो भी है, जो भी आपने बोला, थैंक यू सो मच हमारे बारे में, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हो, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पेशेंस है आपके, बहुत एनर्जी रहते हो। हाँ थोड़ी बहुत एनर्जी लूज हो जाती है, कुछ लड़कों का होता है ना प्यार श्यार का चक्कर, तो उसमें हो जाता है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी। आप लोग का प्यार अगर चाहेगा, आप लोग का आशीर्वाद अगर आप लोग देंगे बराबर और कंटिन्यू देंगे, तो ये भी काफ़ी आगे बढ़ेंगे और काफ़ी अपना जलवा दिखाएंगे, काफ़ी अपने एक्टिंग के थ्रू आप लोग को इम्प्रेस करेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इनको ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दें। बस यही जो बात है मीरा जी की, मुझे बहुत पसंद आती है, हमेशा अपने को स्टार्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को इतना सपोर्ट करती हैं, इतना आगे बढ़ाती हैं, हेल्प करती हैं, और सेट पे ऐसा माहौल बना के रखती हैं कि किस हाँ मतलब अगर किसी को कोई टेंशन भी हो, तो मीरा जी की बात सुन के आदमी अपने आप पिघल जाता है। नहीं, लड़की बहुत बहुत प्यारी लड़की है, लड़की अभी मीरा भी नहीं, जोया भी नहीं, अभी लड़की। देखिए अभी ये यहाँ मीरा है, कल कहीं और सेट में कुछ और बन जाएंगी। हाँ, तो मेरे लिए तो मीरा ही है ये, और लेकिन हाँ। मैं अपने ऑडियंस के लिए आज भी जोया हूँ, कल भी जोया रहूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इतना प्यार दो कि आप लोग के दिल में हमेशा मैं जोया बन के राज करूँ। फिल्म के प्रोड्यूसर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इतनी बड़ी यूनिट को लेके आए हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन किया आपने, और थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन करने के लिए। हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं राजीव मिश्रा जी, काफ़ी सेंट क्या बोलते हैं, सेंटिसिव नहीं आ रहा, सेंटिमेंटल हैं
सेंटिमेंटल नहीं है, काफी इमोशनल मतलब है। पेशेंस काफी है और बहुत छोटी सी हूँ तो कुछ कुछ वर्ड्स नहीं आते। मैं तो कुछ कहना काफी इंटेलिजेंट है, काफी सपोर्टिव है, काफी सपोर्ट करते हैं, काफी हिम्मत देते हैं, काफी हम लोग को मतलब कि मेंटली भी और समझाते हैं कि नहीं ये छोटी गलती है इसको मत करो, ये कल के दिन बड़ी गलती हो सकती है, तो काफ़ी साथ देते हैं। और ख़ास करके कि पूरी यूनिट को एक संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है, बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम के सबका ख्याल रखना, सबका खाना पीना से लेके हर एक चीज़ से लेके, सो काफ़ी अच्छे हैं। जितनी तारीफ़ करूं वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनकी तारीफ़ रुकने वाली नहीं। सो मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट करो इस फिल्म को, इतना प्यार दो कि वो आगे भी अपना जलवा दिखाएँ आप लोग के सामने। हमारे डायरेक्टर सर शिवू जी हैं, काफ़ी आप लोगों ने मेरी फर्स्ट मूवी देखी थी टीनेजर लव स्टोरी, उसमें भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मेरी फर्स्ट मूवी थी, काफ़ी सपोर्टिव थे वो भी। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, खास करके इसलिए कि मैं उसी यूनिट के सामने फिर से जुड़ रही हूँ। सो बहुत मज़ा आया, छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्यार से करवा लेते हैं, जो चीज़ नहीं आती है वो भी करवा लेते हैं, उनके अंदर ये टेक्निक है, तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मज़ेदार हैं, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देते रहेंगे। जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को आगे भी। फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर राजीव मिश्रा जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। बहुत ही ज़मीनी इंसान है और चीज़ों को सोच समझ के काम करते हैं ये, चीज़ों को सोच समझ के काम करते हैं ये। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर प्रोड्यूसर कभी ना कभी कोई तकलीफ़ आती है, सेट पे रहो, चीज़ें व्यस्त व्यस्त व्यवस्था नहीं हो पाती है, चीज़ों का समय नहीं मिल पाता ध्यान देने का, लेकिन ये अपने आप को संभालते हैं, चीज़ों को अरेंज करके सॉल्यूशन ढूंढ के आगे फिर काम करने की कोशिश करते हैं ये। और हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर शिवू वर्मा बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ही जॉली इंसान है, काम करने का जो उनका तरीका है आर्टिस्ट को कंफर्टेबल तरीके से रखते हैं। मेरी उनके साथ ये तीसरी फिल्म है, पहले मैं काम कर चुका हूँ उनके साथ, और जो उनका डायरेक्शन का जो सिस्टम है, टेक्निक है, काफ़ी लोगों से अलग है। और हाँ, और अगर स्क्रिप्ट हाथ में ना हो तो वो बिना स्क्रिप्ट के भी चीज़ों को अच्छे से समझा देते हैं, तो हाथ में मुझे स्क्रिप्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये अभी तो कुछ यहाँ कुछ शेड्यूल है इसका, यहाँ कंप्लीट करेंगे हम लोग बिहार में, उसके बाद फिर मुंबई जाएंगे, वहाँ कुछ दिन का शेड्यूल है, कंप्लीट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन जाएगा। तो आप सोच लीजिए जहाँ कि अप्रैल में या जून तक ये फिल्म आपकी नज़र के सामने रहेगा। बस यही कि इस जोड़ी को आप लोग इतना हिट कर दो, इतना प्यार दो कि ये जोड़ी दोबारा आप लोगों को स्क्रीन पे दिखने को लिए मिले और दोबारा हम साथ में काम कर सके। काफी मज़ेदार परफॉर्मेंस करते हैं आपके हीरो साहब और आपकी हीरोइन मैडम। मैं चाहूंगी कि मैं इनके साथ दोबारा काम करूं, आप लोग इतना प्यार दो। मेरा भी यही कहना होगा कि जोया जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली दफा मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और अगले बार फिर से इनके साथ काम करने की इच्छा है मेरी। और दर्शक, आपसे यही कहना चाहूँगा, हमें प्यार दीजिए कि हम साथ में फिर से एक बार आए और आप लोग का मनोरंजन करें। एक बार ही बस, और नहीं, बस एक बार देख लो, मतलब एक बार, मतलब एक बार, मतलब कि एक स्टेप आगे, एक सीढ़ी चढ़ो उसके बाद फिर ऊपर एक और सीढ़ी जाएगा ना, तो पहले एक से शुरुआत करते हैं, बाद में दो तीन चार पाँच छः आगे चलते जाएगा। मैं ना कि हीरो काफी क्या है कि एक साथ चार सीढ़ी नहीं दौड़ सकता हूँ मैं, तो पहले एक से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर दो तीन चार, फिर तो करते रहेंगे हम सब साथ में। धन्यवाद आपका। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।